बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ईद का दिन पाकिस्तान में और आप भाइयों के लिए सेकंड डे है जी। तो ईद के ऊपर मैकडोनल्ड की तरफ से एक काफ़ी अच्छी डिस्काउंट लगाई गई। अच्छा, हम इंजॉय करते हैं, मैं जैसा कि आपके साथ, मैं भी अभी पाकिस्तान में हूँ, आपको पता है, सऊदी में रहते हुए यहाँ पर तो इंजॉय खूब चल रही है जी। पाकिस्तान में आप यकीन करें, सऊदी में रहते हुए हम क्या इंजॉय करते हैं, घर पर कुछ बना लिए, खा लिया, वरना बाद में सो गए, उठे, बाहर निकल गया, किसी बकाला से कोल्ड्रिंक लेके पी ली या कुछ और समोसा वगैरह पकौड़ा वगैरह अगर किसी खाजी की दुकान मिल गई। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर जो दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप अपने नज़दीक तरीन किसी भी मैकडोनल्ड के ऊपर चले जाएं, आपको ये ऑफर मुझे पूरी उम्मीद है मिल जाएगी, क्यों मैं लाइव दिखा भी देता हूँ। एक रियाल की ऑप्शन है जी, एक रियाल में आपको ऐसी चीज, मैंने वैसे सोचते में ऐसी ऑफर नहीं दिखी है। हाँ, मैकडोनल्ड की एक रियाल की आइसक्रीम मशहूर है, वो मैंने कौन होती है जो वो मैंने अक्सर खाई हुई है मुख्तलिफ शहरों से लेकर, वो तो एक रियाल की मिलती है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप अभी देख रखे होंगे, देख लें जी, ये क्या है जी, बर्गर बोल रहे हैं आप इसे, और चिकन बर्गर है, हयाकुमुल्लाह, ठीक है। तो नीचे इफ्तिताह अर्ज इफ्तिताह वगैरह लिखा हुआ है, ईद वाले दिनों में ये ऑफर लगा दी गई है, सिर्फ एक रियाल का ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, इसके आगे चार किस्म की और भी ऑफर हैं, वो भी मुख्तलिफ बर्गर वगैरह के ऊपर हैं, दो रियाल, चार रियाल, पाँच रियाल, ऐसे। तो मैंने बोला वो तो चलो इनका पाँच सात रियाल में बर्गर अक्सर चलता रहता है, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, एक रियाल में ये चिकन बर्गर भाई मैकडोनल्ड के ऊपर अवेलेबल है, आप इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, पेप्सी आपको अलग से लेनी पड़ेगी, वो मैकडोनल्ड से मत लीजिएगा, वरना पाँच सात रियाल की आपको मिलेगी। बाहर से ले लेंगे टीन पैक, वो ढाई तीन रियाल का, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा।